जानेंगे आज की वीडियो में सिंपैथी, इंपैथी और अपैथी के डिफरेंस के बारे में। ये तीनों ही वर्ड आपके अक्सर करके कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के दिमाग में। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, इंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी। अगर शुद्ध देसी भाषा में इनको समझना चाहे तो ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके दोस्त के हाथ में चोट लगी है, खून बह रहा है और आपको लगा रहे बड़ा गलत हुआ इसके साथ में, तो आप उसके साथ सहानुभूति यानी कि सिंपैथी है। लेकिन मान लीजिए आपके हाथ में भी महीने भर पहले ऐसी ही चोट लगी थी और आप अपने दोस्त की चोट को देख के खुद अपने हाथ में दर्द महसूस कर पा रहे हैं, आप उसके दर्द को फील कर पा रहे हैं, तो ये इंपैथी है। और अगर आप उसके लिए जस्ट बुरा महसूस कर रहे हैं कि यार गलत हुआ, तो ये सिंपैथी है। अपैथी का मतलब क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। और इसी के लिए एक सिनोनिम आता है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस के लिए एडजेक्टिव फॉर्म होती है इंडिफरेंट, और इंडिफरेंट जो पर्सन होता है उसको बोल देते हैं बेसिकली स्टोइक। आपने सुना होगा अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर इज कॉल्ड स्टोइक। उसके अलावा सिंपैथी के लिए वर्ब आती है सिंपैथाइज और इंपैथी के लिए वर्ब आती है एम्पैथाइज। इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए वो कैब की आज ही सब्सक्राइब करें, वो कैब वंडर्स।